हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि, आप सबका अपने चैनल डॉक्टर अंजलि होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन अस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे। अस्थमा एक बहुत ही कॉमनली देखी जाने वाली कंडीशन है जिसमें हर एक एज ग्रुप के जो लोग हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी में अस्थमा के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अस्थमा क्या होता है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके लक्षण हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज़ है और एक लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें हमारे सांस की जो नली है, एयर पाइप्स हैं, उनमें सूजन आ जाती है जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं और एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसको वहाँ से गुजरने में और वापस आने में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट महसूस होती है, रुकावट आने लग जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। जो इसके सेल्स होते हैं, लाइनिंग सेल्स होते हैं सांस की नली के, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में म्यूकस बनाने लग जाते हैं, स्टिकी म्यूकस बनाने लग जाते हैं और पेशेंट को इसको बाहर निकालने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से पेशेंट को हर वक्त कफ सी बनी रहती है, चेस्ट में कसाव सा रहता है, प्रेशर सा बना रहता है और कभी कभी दर्द भी हो सकती है। तो ये अस्थमा, अगर ये आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इनके कारणों की बात कर लें तो इसके बहुत से कारण हैं जिनमें सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके पेरेंट्स को या ब्लड रिलेशन में किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको भी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड टॉप मोस्ट रीज़न आ जाता है कि अगर आपको एलर्जी है, किसी भी तरह की अगर आपको एलर्जी है तो ये आगे चलकर अस्थमा में डेवलप हो सकती है। खासकर जिन लोगों को नेजल एलर्जी है, बार बार छींकें, जुकाम, नाक से पानी, आँख से पानी, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो इन लोगों को आगे चलकर अस्थमा की समस्या डेवलप हो सकती है। कुछ लोगों को एटॉपिक डर्मेटाइटिस की समस्या होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को भी जो जब सीज़न चेंज होता है तो इनमें देखा जाता है कि अस्थमा के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अप्रैल टू मई या सितंबर अक्टूबर में जब सीज़न चेंज होगा तो इन पेशेंट्स को अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग नहीं भी करते हैं लेकिन उन लोगों के साथ रहते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी अस्थमा होने के चांसेस हैं। जिन लोगों का ऑक्यूपेशन, काम इस तरह का है कि उनको उन केमिकल्स के साथ एक्सपोजर होता है जो लोग जो केमिकल्स हार्मफुल हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, तो उनको भी अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो सबसे मेजर रीज़न है ही जो कि अस्थमा कॉज कर सकता है। इस तरह से और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो कि अस्थमा डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनके लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, मीन्स सांस लेने में तकलीफ होती है, बैठा हुआ है तब भी। ज़्यादातर ये समस्या रात को आती है, जब पेशेंट लेटता है तो उसको ये समस्या, इसके सिम्टम्स हैं वो जो ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उसको कफ की समस्या रहती है, खांसी रहती है और जो रेशा है वो बहुत कम निकलता है, लगता है कि चेस्ट में बहुत रेशा है लेकिन निकलता बहुत कम है। थर्डली पेशेंट को चेस्ट में कसाव सा महसूस होता है और जिसकी वजह से एक प्रेशर सा उसको चेस्ट पे बना रहता है, दर्द भी हो सकती है। इसके अलावा गले में भी उसको कॉन्स्ट्रिक्शन सी फील होती है, जैसे कुछ दबा दबा सा है और रेशा होने की वजह से उसको जो चेस्ट में बर्निंग सी भी फील हो सकती है। इसके अलावा एक जब इन टाइट एयर वे से जब हमारी जो सांस है, एयर है, वो पास होती है तो एक वीजिंग साउंड, एक विस्लिंग साउंड आती है, तो शां शां की आवाज़ या सीटी बजने जैसी आवाज़ भी आती है। ये अस्थमा के मेजर लक्षण होते हैं।
अब होम्योपैथिक मेडिसिंस की बात कर लें जो आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं। होम्योपैथी में अस्थमा के लिए बहुत सी अच्छी मेडिसिंस हैं। इन मेडिसिंस को अगर आप कुछ समय तक यूज़ करते हैं तो आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इनमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है ब्लाटा। ब्लाटा ओरिएंटालिस होम्योपैथी में अस्थमा के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन मानी गई है। इसमें पेशेंट को काफ़ी रेशा बना हुआ होता है चेस्ट में, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस मेडिसिन ये मेडिसिन एक तरह से पंप की तरह काम करती है और इस मेडिसिन को आपको टिंचर की फॉर्म में लेना है। फिर मेडिसिन आ जाती है ग्राइंडीलिया। इस मेडिसिन को भी आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेना होता है। इसमें भी पेशेंट को बहुत म्यूकस बनता है, जैसे ही पेशेंट लेटता है तो उसकी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और उसको उठकर बैठना पड़ता है, चेस्ट में काफ़ी म्यूकस बना हुआ होता है, तो ये ग्राइंडीलिया मेडिसिन उस केसेस में वर्क करती है। पोथोस मेडिसिन आ जाती है जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी है, स्मोक से एलर्जी है, फ्यूम से एलर्जी है, और जब पेशेंट इनके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको अस्थमा के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तो उनमें पोथोस बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेना है। फिर एक मदर टिंचर आ जाता है अरेलिया रेसेमोसा। अरेलिया रेसेमोसा में पेशेंट को चेस्ट में टाइटनेस फील होती है। जब पेशेंट को कोल्ड के बाद अस्थमा के सिम्टम डेवलप हो गए तो इसमें अरेलिया रेसेमोसा एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। पेशेंट को लेटने पर कफ आने लग जाती है तो आपको अरेलिया रेसेमोसा मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। इन चारों मेडिसिंस को आपको मदर टिंचर की फॉर्म में 30-30 ml की क्वांटिटी में लेकर आना चाहिए और 100 ml की एक खाली बॉटल में इनको आप 20-20 ml डालकर शेक करके रख लीजिए और इन मेडिसिंस की 20-20 ड्रॉप्स इस कॉम्बिनेशन की आप दिन में 3 बार गुनगुने पानी में डालकर ले सकते हैं अगर आपको अस्थमा का अटैक फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर आपको इस टाइम पे अस्थमा की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस मेडिसिन को 1-1 घंटे के बाद भी 20-20 ड्रॉप्स रिपीट कर सकते हैं। फिर एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना है पोटेंसी में मेडिसिन को लेकर। इनमें मेडिसिन आ जाती है सबसे पहले आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम अस्थमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें आपको आधी रात के बाद अस्थमा का अटैक आता है 12-2 बजे के बीच में, पेशेंट को उठकर बैठना पड़ता है और आगे को झुकने पर उसको रिलीफ महसूस होता है, पेशेंट को एक बेचैनी सी बनी रहती है और पेशेंट को बार बार प्यास लगती है लेकिन वो सिप सिप करके पानी पीता है, तो इसमें आपको आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। फिर मेडिसिन आ जाती है एकोनाइट जिसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और बेचैनी हो रही है, तब आपको एकोनाइट मेडिसिन लेनी चाहिए। फिर मेडिसिन आ जाती है इपिकैक, चेस्ट में बहुत रेशा बना हुआ है, निकल नहीं रहा है और एक जो कफ है स्पाज्म के फॉर्म में आती है, मींस स्पाज्मोडिक कफ आती है, खांसते खांसते पेशेंट को वॉमिटिंग आ जाती है, तो इनमें इपिकैक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा एक मेडिसिन कालीबाई भी आ जाती है जिसमें पेशेंट को बहुत रेशा बना हुआ है, उसको इस तरह स्पेशली जिन लोगों को साइनस की भी प्रॉब्लम है और साइनस की प्रॉब्लम होने के बाद उनको अस्थमा डेवलप हुआ है, तो इनमें कालीबाई बहुत अच्छा वर्क करती है। इन चारों मेडिसिंस को आप 30 पावर में लेकर आइए और इन मेडिसिंस की 2-3 ड्रॉप्स आप एक स्पून वाटर में डालकर आप इनको 5-5 मिनट के गैप पे ले सकते हैं। हर एक मेडिसिन के लिए आपको सेपरेट वाटर जो है वो स्पून में लेना है, तो इन मेडिसिन दोनों कॉम्बिनेशंस को आप कुछ टाइम तक लीजिए तो आपकी जो अस्थमा की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये मेडिसिंस होम्योपैथी में अस्थमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिंस मानी गई हैं और ये बहुत अच्छा असर करती हैं, हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये अक्सर देखते हैं। इनके अलावा एक मेडिसिन नेट्रम सल्फ 200 को आपको वीकली एक डोज लेनी चाहिए, तो इन मेडिसिंस को आप लीजिए और आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।